अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है वीडियो बनाने का मकसद यही है, जैसा कि आपको पता है कल पनवेल में जो है याकूब बेग स्कूल में सब लेडीज़ के लिए जो है माशाल्लाह केक कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन और मेकअप कंपटीशन का जो है इंतज़ाम किया गया था। और माशाल्लाह उसमें सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अपना बेस्ट दिया और सब जो भी थे मेकअप आर्टिस्ट, केक बेकर्स और जो मेहंदी आर्टिस्ट, सब ने ऑन द स्पॉट सबको टाइमिंग दिया गया था। केक वालों को 45 मिनट और मेहंदी वालों को भी 45 मिनट और जो मेकअप वाले हैं उनको हेयर और मेकअप के लिए 1.5 घंटा दिया गया था। तो उसमें माशाल्लाह मेरी लड़की और मैंने भी पार्टिसिपेंट की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने स्टूडेंट हैं मैंने सबको कहा था, उसमें से दो और स्टूडेंट ने भी माशाल्लाह पार्टिसिपेट किए थे, जैसा कि रुमाना जो कि रनर अप में आई है और बुशरा, और जिसने मेकअप भी लिया था और मेहंदी में मेकअप और सॉरी केक में भी लिया था माशाल्लाह। तो इस तरीके से सब हमने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह हम सब पार्टिसिपेंट को कंपलसरी सर्टिफिकेट भी मिला गया। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे कंपटीशन होंगे तो आप लोग ज़रूर उसमें भाग लेना। और जैसा कि मैं ये बताना चाहती हूँ, जो कंपटीशन हुआ था 14 अगस्त का, तो दो दिन पहले ही सिर्फ उसके जो है पैम्पलेट ओपन करके सब जगह जो है व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किए गए थे। तो मुझे इरम मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने खास भेजा कि आप देखिए इसमें मौका है, केक में लीजिए आपको जो अच्छा लगता है। तो मैंने सोची कि मैं कैसे लूँ, क्योंकि मैं केक क्लासेज चलाती हूँ, अगर मैं बेस्ट करूँगी जो भी करूँगी तो कल ऐसा भी कहोगे क्या ये टीचर थी इसलिए जीती। इसलिए मैंने सोची कि नहीं, मेरे से ज़्यादा मेरे लड़की को ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि अभी दो कंपटीशन भी हुए थे उसमें मैंने कभी मेरे लड़की को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया मेरे जो क्लासेस के होते हैं। तो इस वजह से हमने सोचे कि तहजीब को हम ये मौका दें। तो मेरे जो है हस्बैंड के नंबर से मैंने ये रजिस्टर कराई थी, क्योंकि मुझे मेरी आइडेंटिटी जो है बतानी नहीं थी कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने ये बात छुपा कर रखी। और जो है मेरे हस्बैंड के नंबर से हमने रजिस्टर किया माशाल्लाह तहजीब का, उन्होंने सब डिटेल्स बताया कि केक का स्पॉन्ज लेकर आना है और केक को आइसिंग करना है वहाँ पर ऑन द स्पॉट और डिज़ाइन करना है, और जो है 15 अगस्त के लिए आपको जैसा भी बनाना है आपको अपना बेस्ट देना है। तो उस हिसाब से तहजीब ने माशाल्लाह तैयारी कर कर गई और जो भी है सब तहजीब, रुमाना और बुशरा ने अपना माशाल्लाह अपना जो है हुनर ऑन द स्पॉट वहाँ पे सब जजेस के सामने, सब जो है पार्टिसिपेंट जितने भी 15-20 पार्टिसिपेंट थे उन सब के साथ एक साथ में उन्होंने स्टार्ट किया माशाल्लाह। जो टाइमिंग था उसी में तीनों ने कवर भी किया और उसमें जो है माशाल्लाह तहजीब फर्स्ट आई, रुमाना सेकंड रनर अप आई और हम सब जो पार्टिसिपेंट थे उन सबको सर्टिफिकेट भी मिला। तो मेरा बस यही कहना है कि हम सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैं घर पे आई और मुझे कुछ बातें सुनने आई उस वजह से मैं थोड़ा ये वीडियो आप सबको शेयर कर रही हूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स है, मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोवर्स है, और जो निगेटिव चीज़ें फैला रहे उन सब के लिए ही है कि जो है मैंने मेरी आइडेंटिटी क्लासेस की छुपा के रखी थी मेरे लड़की का, मैंने किसी को भी जाहिर नहीं की थी। आप चाहिए तो मैम को भी पूछ सकते, जितने चार जजेस है, मेरी आइडेंटिटी कब जो है ओपन हुई, जब तहजीब को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरा सब ख़त्म होने के बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया, जो कि चैनल वाले दिख रहे आपको, न्यूज़ महाराष्ट्र मित्र कुछ जो है उन्होंने हमारा जो है इंटरव्यू लिया तहजीब का, तब तहजीब ने कहा कि मेरे मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मैं उसी वजह से यहाँ तक पहुँची और जो भी। और फिर उन्होंने पूछा न्यूज़ वालों ने आपको किसने सिखाया, तब तहजीब ने कहा कि मेरे मम्मी ने, क्योंकि मेरी मम्मी की केक क्लासेस भी लेते हैं। तो तब लोगों को जब केक की जो है प्राइस वगैरह कंपटीशन ख़त्म होने के बाद इंटरव्यू में पता चला, उसके बाद टीचर लोग भी जो शॉक हो गए। मैं घर पे आई उसके बाद हमें कॉल आए कि माशाल्लाह आप टीचर थे बट आपने अपनी आइडेंटिटी जो है ओपन नहीं की, बावजूद आपकी लड़की जो है पूरे जो है उसमें पार्टिसिपेंट में छोटी यानी 10th की स्टूडेंट जो है तहजीबी थी, बाकी सब बड़े थे, जो है मम्मी थी कोई यंगस्टर थे, ऐसे सब मिक्स था क्योंकि ओपन ग्रुप था। तो सब में उसका केक बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट जो है आइडियाज़ उन्हें अच्छे लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उस वजह से वो विनर आई। तो वो उन्होंने वही कहा कि अगर हमें पता रहता कि आप टीचर हैं तो हम आपको भी हमारे जो है इसमें ग्रुप में शामिल करते थे, हमें हेल्प होती थी। मैंने कही इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं एनी टाइम आपके हेल्प के लिए खड़ी रहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उन्होंने एक बात यही भी कही
कि कई कई लोग कह रहे हैं क्या आपको पहचानते थे इसलिए आपने जो है टीचर थे इसलिए आपके लड़की का नंबर आया, आपको ऐसा लगता है क्या? तो वो वही कह रहे थे कि मैम हमें खुद ताज्जुब हो रहा है कि क्योंकि आपने पूरा रिजल्ट होने के बावजूद पूरा ओपन हो गया, सब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तभी भी आपने बताया नहीं कि आपके इधर 2 साल से क्लासेस होती, हमें तो पता ही नहीं था। बट जब घर पर आए तब लोगों ने कॉल करके बताया कि इनके घर में क्लासेस होती थी इसलिए इनकी लड़की जीती। तो आपको ये बराबर लगता है कि जो निगेटिव जो है वाइब्स फैला रहे हैं, जो निगेटिव बातें फैला रहे हैं, आपको जो दिख रहा है नहीं टैलेंट, जो कि तहजीब ने खुद जितने भी पार्टिसिपेंट थे, तहजीब की बात नहीं, वहाँ ऑन द स्पॉट अपने मेहनत से पूरे आइसिंग करके डिज़ाइन करके पूरा जो कि विदाउट एसी वाला जो रूम था, और पनवेल में कल लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम थी, इतने आइसिंग भी मेल्ट हो रही थी, उसमें भी फिर भी बच्चों ने अपना टैलेंट बताया। और उसके बाद जो है 4 जजेस थे सुपरवाइज़र, उन्होंने नंबर निकाले और उस पर भी फिर डाउट करके ऐसा चिटिंग का जो है आप बोलोगे तो बहुत गलत बात होती है। तो बस मुझे यही कहना है कि प्लीज़ निगेटिव बातें मत फैलाइए, सब हैप्पी रहिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। आप अपने दुआ में याद रखिए, हमने हमारी आइडेंटिटी क्लास की छुपा के ही रखी थी, और खुद जो है टीचर और मैम वहाँ के खुद घर पे जाने के बाद मुझे कॉल करके पर्सनली बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा हुआ आप सब आए थे और हमें तो पता भी नहीं था। तो ये सब बातें हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी वंस अगेन आप सबका जो है दुआ देने के लिए, मेरे डॉटर के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू।